हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। आज का जो वीडियो होगा वो स्ट्रेंजर 2K2 एम्पलीफायर के ऊपर ये वीडियो होगा। और मेरे पास ये एम्पलीफायर आया है रिपेयर होने के लिए, तो इसको हम आज रिपेयरिंग करूंगा और इसका पूरा कनेक्शन के बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा इसका कनेक्शन कैसे रहता है और इसमें जो फॉल्ट है वो देख सकते हैं कि एक चैनल तो बिल्कुल ठीक है। मैंने स्विच को ऑन करके रखा हूँ और एक चैनल तो ठीक है, लेकिन दूसरे चैनल में ये फॉल्ट का लाइट जल रहा है। तो दोस्तों ये चैनल बिल्कुल ठीक है और ये वाली जो चैनल है इसमें प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम इसको वोल्टेज हम चेक करेंगे कि इसमें वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दोस्तों हमारी वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा और स्किप ना कीजिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपका अच्छी अच्छी कमेंट जब आता है तो हमें वीडियो बनाने के लिए और भी हौसला मिलता है और मेरे वीडियो से जितने लोगों को हेल्प मिलता है तो ज़रूर आप लोग कमेंट में लिखिएगा ताकि हमें भी समझ में आता है कि हमारी वीडियो से आप लोग सीख रहे हैं। दोस्तों ये हम डीसी 200 रेंज पे रख करके हमें चेक करना है और पहला लीड जो है ब्लैक वाली वो ग्राउंड में हम कनेक्ट करेंगे और दूसरे लीड से हम वोल्टेज को चेक करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से है क्या है। दोस्तों सबसे पहले आपको वोल्टेज समझना है कि यहाँ कलेक्टर पे जो मेन वोल्टेज आता है वहाँ पे, ये चैनल तो ठीक है लेकिन फिर भी समझने के लिए हम वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ 80 वोल्ट के आसपास आ रहा है और जो कि ये बिल्कुल ठीक है और मैंने पहले ही बताया कि ये चैनल बिल्कुल ठीक है। दोस्तों 80 वोल्ट आ रहा है लेकिन यहाँ पे ये चैनल में प्रॉब्लम इसलिए है, यहाँ पे 80 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पर भी 80 वोल्ट आ रहा है। तो प्रॉब्लम जो है दोस्तों हम आपको बताऊंगा कहाँ से है। और ये देख सकते हैं ये ड्राइवर बोर्ड का जो यहाँ से कनेक्शन होता है ये मीटर स्पीकर में है, स्पीकर में जाता है और ये बेस पॉइंट पे जाता है और ये जो है प्लस 80 वोल्ट और यहाँ पे माइनस 80 वोल्ट जो कि बराबर आ रहा है। दोस्तों तो फिर भी इसमें फॉल्ट आ रहा है तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है आपको मैं बताऊँगा। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और ये दोनों चैनल के लिए जो यहाँ पावर सप्लाई है 4 और 4 8 कैपेसिटर लगा हुआ है, जो 4 कैपेसिटर इस चैनल को चलाने के लिए है और 4 कैपेसिटर इस चैनल को चलाने के लिए है। दोस्तों तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी जो है डबल ट्रांसफार्मर इसमें है दो चैनल चलाने के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, या तो ये रिले में प्रॉब्लम हो सकता है या तो फिर ये ड्राइवर बोर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों देखिए मैं जो है ये वाला तो मैं ड्राइवर बोर्ड मैं निकाल लिया हूँ और दोस्तों सबसे बड़ा इसमें जो प्रॉब्लम है आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कभी भी जब आप एम्पलीफायर रिपेयरिंग कीजिए तब क्या करना है, इधर का सारे वोल्टेज जब ठीक ठाक रहेगा तो
इस चैनल में छेड़छाड़ नहीं करना है, ना ही ये चैनल में, ये चैनल तो ठीक ही ठाक है, और ना ही पावर सप्लाई का ये कोई प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सारे का सारे वोल्टेज यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और कहाँ पे कितना वोल्टेज आता है उसमें मैं बता चुका हूँ, और मैं एक बार फिर से आपको इधर बताने के लिए आपको चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, कि सबसे पहले जो आपका इसमें आपको कहाँ चेक करना है, ये तो बीच वाली जो वायर है ये स्पीकर के लिए है, तो इसको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ये है कलेक्टर का माइनस वोल्टेज जो 1943 मोसफेट के कलेक्टर पे जाता है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज हम दिखाने के लिए प्रयास करूँगा आपको, जो कि ये पूरा परफेक्ट है 80 वोल्ट, और यहाँ भी 80 वोल्ट है, और यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं आता है क्योंकि ये स्पीकर का इमीटर है। तो दोस्तों यहाँ भी आप देख सकते हैं जो ड्राइवर बोर्ड का कलेक्टर से आउटपुट होता है 1943 का, और यहाँ प्लस वोल्टेज दो सप्लाई यहाँ पे ड्राइवर बोर्ड के लिए होता है दोस्तों। ये ड्राइवर बोर्ड चलाने के लिए दो सप्लाई, एक प्लस और एक माइनस वोल्टेज पे काम करता है। तो ये वोल्टेज यदि इमीटर और बेस पे भी यदि आएगा तो आपको इस चैनल में काम करने की ज़रूरत है। ये चैनल हो सकता है ये जो 5241943 में से कोई भी ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है दोस्तों, जो कि ये शॉर्टिंग होने की स्थिति में दोनों साइड वोल्टेज आएगा, जो कि यहाँ पे बिल्कुल शॉर्टिंग नहीं है। इसीलिए मैं डायरेक्ट ये ड्राइवर बोर्ड में, मुझे ये समझ में आ गया कि प्रॉब्लम ड्राइवर बोर्ड से ही है। तो ड्राइवर बोर्ड में दोस्तों जो प्रॉब्लम था वो क्या था, ये वाली जो ट्रांजिस्टर है वो ख़राब था, ये आप देख सकते हैं। इसका नंबर आपको दिखाने की प्रयास करता हूँ, 2336। तो ये ट्रांजिस्टर कंटिन्यूटी रेंज पे आप रख करके देखेंगे, बिल्कुल ये शॉर्ट था दोस्तों। तो मैंने इसको जब चेंज किया हूँ, तो दोस्तों एक और बात है कि मुझे एक हाथ से मोबाइल पकड़ना होता है और एक हाथ से वीडियो बनाते हुए हमें रिपेयरिंग करना होता है, इसलिए मैंने ये ट्रांजिस्टर को निकालते समय मैंने वो वीडियो नहीं बनाया। लेकिन आप विश्वास करिए कि ये ट्रांजिस्टर ख़राब था, और अभी आप देख रहे हैं एम्पलीफायर बिल्कुल ओके हो चुका है और ये पूरा चालू हो चुका है, सिर्फ एक ट्रांजिस्टर ख़राब होने से। तो दोस्तों कभी कभी एम्पलीफायर में हो सकता है, ये भी एम्पलीफायर, ये सारे का सारे जो है ट्रांजिस्टर ख़राब होने से भी ये प्रॉब्लम आता है। तो इसमें एक ही ट्रांजिस्टर ख़राब हुआ था, ये अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है सारे का सारे ट्रांजिस्टर भी आप यदि बनाते हैं रिपेयरिंग करते हैं तो उसको भी चेक कर लें तो बेहतर रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो ज़रूर आप हमें कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।